के सबसे प्राचीन नगर व तहसील क्षेत्र में स्थापित परिवहन निगम विभाग का रोड वे बस स्टैंड विभागीय उदासीनता के हाल पर आंसू बहा रहा है। बस स्टैंड के आसपास कूड़े का अंबार लगा हुआ है जो सरकार के स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। साथ ही साथ इस बस स्टैंड के परिसर व अगल बगल झाड़ झंझट उग चुका है। हैरानी तो इस बात से है कि इस बस स्टैंड के परिसर में कूड़ा करकट एवं पत्थर का अंबार लगा हुआ है। शौचालय एवं प्रकाश का हाल बस से बदतर होता जा रहा है। पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप खराब हो चुका है। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड के बजाय NH 31 के समीप खड़ा रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार बाहर से हो रहे रोडवेज बसों के संचालन से आए दिन यात्री जान जोखिम में डालकर परिवार संग यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि परिवहन विभाग इस बात से भली भांति अवगत है। ये बताइए कि रसड़ा रोडवेज पे कैसी सुविधा, यात्री सुविधाएं कैसी है? यहाँ सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। केवल यहाँ पे लोग जो जितने भी नेता हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। कोई रोजा इफ्तार करवाता है तो कोई हज करवाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की स्थानीय सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। वहाँ पे जो रोडवेज है बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है और यात्री जो है मेन हाईवे से जो है यात्रा करने पर मजबूर है, जबकि जान जोखिम में डाल करके यात्रा करने पर बेबस है और अपने परिवार के साथ जा करके अगर बारिश में खुली छत के नीचे न जाने के बजाय खुले अपना NH पर ही खड़ा रहते हैं और वहां से यात्रा करने पर बेबस है और इस पर किसी भी स्थानीय नेता का या किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को यात्रा करने में काफी कठिनाई है, जान जोखिम में डालकर हम लोग डेली यात्रा करते हैं। कुछ नेता यहाँ के जो है वो ड्रामा सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ वो जुमलेबाजी है। कोई यहाँ के स्थानीय लोगों से कोई इनको लेना देना नहीं है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरीके की व्यवस्था नहीं है तो ट्रामा और इस तरह से बड़ी बड़ी बातों पर क्या लेना देना है इसका? कोई भी यहाँ किसी भी जनहित की कोई भी समस्या के लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जमीनी हकीकत किसी से कोई नहीं है। केवल बलिया से मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। चलिए धन्यवाद।